ओके सो मैं जो वो शाम को उसकी चीज़ें देने आया हूँ एंड लुक वेयर आई एम, मैं जो हूँ अभी 30th floor पे जा रहा हूँ, वो अपने ऑफिस में आएगा तो उसने बोला वहीं पर आ जा। सो दिस बिल्डिंग हैज 46 floors पर और मैं जो वो 30 वाले पे जा रहा हूँ, कितनी तेज जा रहा है ना। तो अभी जो है वो यहाँ से इसके बाद मैं जाऊँगा शायद अगर मुझे टिकट्स मिल गए तो देन आई विल गो फॉर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच, होपफुल इंशाल्लाह फिंगर क्रॉस। सारी जैक लगानी है, अब पता चलेगा कि क्या होगा। ओके गाइस, तो ये सामने वही है ना जो मेरा, एट द व्यू। और अब मैं जो हूँ वो हशाम को इसके पार्सल वापस करके देन गोइंग फॉर मैच, अगर टिकट्स मिल जाती हैं तो। Alright, look at the atmosphere, bro. ये है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मैच और आई डोंट हैव एनी टिकट्स। आई होप कि टिकट्स मिल जाए लेकिन राइट नाउ आई डोंट हैव अ टिकट। अब गेट्स पे आके देखते हैं कि क्या सीन बनता है। बाकी ग्राउंड जो है वो पूरा लिट अप है, अफगानिस्तान जो है वो टॉस जीत के पहले बैट कर रहेगा, इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। बस वजह ही नहीं चले इनका, बाकी तो हम सब देख लेंगे। बट या अल्लाह करे टिकट्स मिल जाए, फिंगर क्रॉस। Look at the people. They are so crazy. हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं, 45 पे 4 है अफगानिस्तान के। आई एम जस्ट, मैं स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ हूँ एंड वन वे अवे, मतलब ये गेट जो है ना खोल ही नहीं रहे वो लोग। सो पिछले एक घंटे से वी आर समथिंग, मैं यहीं घूम रहा हूँ और यहाँ पे जो है अंदर जाने का देयर इज़ नो चांस, बहुत रश है। अभी कहा है कि लाइन में खड़े रहें, आपको जो है वो अंदर जाने देंगे, लेकिन लेट्स नो क्या होता है। ऑलराइट गाइस, सो इट्स करंटली नेक्स्ट डे और मैं आपको ये कहने वाला था कि कल जो हुआ उसके बारे में पूरा मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा। कल ये हुआ कि आई बॉट अ टिकट एंड देन आई कॉल माई फ्रेंड इन दुबई, वो दुबई मॉल, दुबई स्टेडियम में ही काम करता है। एंड देन इसका नाम क्या, ये हुआ कि द पाकिस्तानी अफगानी फ्रेंड्स आर फाइटिंग, तो उन्होंने जो है वो अंदर से गेट्स बिल्कुल बंद कर दिए, इट्स टोटली शट डाउन। मतलब अंदर टिकट्स जो हैं, अंदर सीट्स जो हैं वो काफ़ी खाली थी एंड इट्स टोटली शट डाउन और अफगानी फैंस जो है वो गेट्स तोड़ के ये सारी चीज़ें करके अंदर आ गए, जैसे आपने फुटेज में देखा होगा ये सारी चीज़ें करके अंदर आ गए। लेकिन जिन जिन लोगों ने जो है वो 8-8 हज़ार दिरहम की टिकट्स ली, मतलब मोस्टली जो है वो 70% बिना टिकट्स के जो है वो अंदर थे एंड मोस्टली 70% पीपल जिनने टिकट्स ली थी वो बाहर खड़े हुए थे और क्या गुस्सा निकाल रहे थे ब्रो, क्या गुस्सा निकाल रहे थे, मतलब समथिंग क्रेजी। कल के मैच में जो हुआ वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पे गार्ड से पूछा कि आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या ऐसा क्राउड मिला था या ऐसी जो है वो भगदड़ मिली थी, बोले नहीं नो ब्रो नो, वो ऐसे अरबी है ना तो ऐसे बात कर रहा था। एंड देन सेकेंड वन इज़ के मैंने आपसे कहा था कि एक भंड हो गया था सबसे अपने फर्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर, तो वो भंड ये था कि मैं जैसे इमिग्रेशन काउंटर पर पहुँचा तो उसको मैंने अपना पासपोर्ट दिया और उसने मेरा पासपोर्ट चेक करा एंड देन ही कॉल्ड मी कि आप जो है वो पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस में जाए। मैं पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस में गया, वहाँ पे उसने जो है एक चिट पे, आई रिमेंबर द कलर, एक पिंक कलर की चिट थी, उसके ऊपर उसने जो है वो कैंसिल का स्टैम्प मारा एंड देन स्ट्रिक बैक ऑन माय, इसका नाम क्या है, पासपोर्ट, उसको भी चिपका दी उसने और कहा कि अब जाके उसको दे दो। अब उसको देने के बाद मेरी जो है वो वहाँ से उस काउंटर पे, इमिग्रेशन काउंटर पे जाने तक जो है ना, मैं मेरी अंदर से क्या क्या ख्यालात आ गए कि भाई चलो भाई वैसा भाई अब घर पे चलो, कैंसिल कर दिया इन लोगों ने, अब आपको कुछ नहीं होता, अब आप जाएँ घर पे। मतलब कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर सारे सवाल, ये सारे ख्यालात आ चुके थे मेरे पास। एंड देन फिर ये हुआ कि आपका वो, उसने, मैंने उसको जो है वो पासपोर्ट दिया एंड देन ही सॉ मी, वो थोड़ा हंसा एंड मुझे कह रहा था कि वाई आर यू सैड,
तो मैं खामोश था, मैंने उससे कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि मैं अपने होश व हवास जो है वो उन तकरीबन 2 से 3 सेकंड्स में खो बैठा था. एंड देन ही इंटर्ड, मतलब उसने मुझे जो है आने की इजाज़त दी. तो ये सीन हुआ था. तो उस वक्त जो है वो मैं ब्लॉक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, बाहर निकल के जब भी मैंने कहा कि मैं वो सीन हो गया, बाद में बताऊँगा. तो आज जाके वो मैं आपको सीन्स का क्लियर कर रहा हूँ. तो दैट्स इट, दैट्स अ व्लॉग. आई होप कि आपको जो है व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे. तो ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा और व्लॉग्स को लाइक कर दीजिएगा. और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो दुबई मॉल का होगा, बिकॉज मैं जो है वो अलबैक का बिग फैन हूँ. मैंने सऊदीया गया था जब भी मैंने अलबैक खाया था. एंड अभी बस वीडियो जो है वो एडिट करके मैं दुबई मॉल के लिए निकलूँगा. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़.